देश की सड़कों पर आज उभरते गुस्से का कारण वक्त के मासूम गर्भ में छुपा बैठा है। जिस आरक्षण के खिलाफ आज आक्रोश यूं पिघल कर बह निकला है प्रदर्शन की सूरत में, वही आरक्षण कभी मासूमियत से गढ़ा गया था सदियों की बदस्तूर सामाजिक असमानता को तराशने के लिए। मूल सिफारिश सिर्फ 10 साल के लिए थी और जब आरक्षण के अस्तित्व ही को हम भुला चले थे, वो फिर लौट आया पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की राजनीति के आगोश में। समाज द्वारा युवाओं की जीविका में की जा रही बदसलूकी क्या कम थी? लिहाजा बेरोजगारी से तंग युवाओं ने जमकर किया विरोध, आत्मदहन हुआ, प्रदर्शन हुआ और हुई राजनीति। दलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एक रक्षा कवच बनकर उभरा। आर्थिक रूप से सजातीय वर्ग के लिए न रोजगार की दुनिया में हमदर्दी थी, न आरक्षण की नीति में सुरक्षा थी और न राजनीतिक हलकों में हमदर्दी थी। अपने दर्द की दवा आखिर कहां पाते? थक हार कर जिंदगी एक ढर्रे पर चल निकली थी कि 2005 में आरक्षण पर चर्चा की गर्मी फिर झुलसाने लगी और मई 2006 में फिर गाज गिरी उन युवाओं पर जिनके पास दलित वर्ग का सर्टिफिकेट नहीं था। क्या कथित ऊंच जाति में पैदा होना उनका दोष है? क्या बेरोजगारी की मार उन्हें नहीं हिलाती? क्या भूख की तड़प उन्हें महसूस नहीं होती? तो फिर आरक्षण जाति के आधार पर हो या आर्थिक स्थिति के आधार पर, आरक्षण सामाजिक समानता के लिए हो या वोट बैंक की राजनीति के लिए, कौन है जिम्मेदार मासूम युवा की कुंठा का, उसके दर्द का, उसकी बेबसी का? समाज को यूं अन्याय, रोष भरे प्रदर्शन और असमानता की गर्त में धकेलने का आखिर जिम्मेदार कौन?